हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रियंका आज आपके लिए लेकर आई हूँ मोहन थाल की रेसिपी, जो राजस्थान की बहुत ही फेमस बर्फ़ी है, जिसको बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा और जो बिल्कुल हलवाई जैसी बनेगी। कई बार हम लोग की शिकायत रहती है, या तो वो टाइट हो जाता है या फिर वो ढीला रह जाता है, तो पर ऐसा अब नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो कीजिए जैसे मैंने बनाया है और परफेक्ट आपका बन के आएगा। तो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ मोहन थाल की रेसिपी, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसके लिए हमको मोटा बेसन चाहिएगा, बेसन 500 ग्राम, दरदरा होना चाहिए बेसन। ये मावा है 200 ग्राम, चाशनी बनाने के लिए चीनी चाहिए 750 ग्राम, मोइन के लिए घी चाहिए हमको 100 ग्राम, बड़ी इलायची 4, ऊपर से मतलब मींस फ्लेवर के लिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। ये मैंने ऑयल को घी को गरम कर लिया है, आप घी को थोड़ा गरम करके फिर मिक्स करें। ठंडा होने के बाद ही हाथ से मिक्स करें क्योंकि गरम है अभी घी। अच्छे से मिक्स होने के बाद इस तरीके से मुट्ठी बन जानी चाहिए। इस तरीके के पेड़े हमको, या फिर आप बाटी टाइप होता है, इस तरीके से हमको बनाना है। ये सारी बाटियाँ बन चुकी हैं मेरी। अब इसको तल लेंगे हम, लो फ्लेम पे ही तलना है इसको। अगर हम हाई फ्लेम पे इसको तलेंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे अंदर से। अभी गोल्डन हो चुके हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। अभी सेकंड बैच मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, बट ये पूरे तरीके से, अभी ये मैंने हाथ से थोड़ा सा इसको फोड़ लिया था। फिर हम इसको मिक्सी में इसका एक पाउडर बनाएंगे। इसका फाइन पाउडर अपन को बनाना है। ये देखिए, अब इसको हम वापस से कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा और भूनेंगे 5 या 10 मिनट के लिए, क्योंकि इससे जो भी अंदर से अगर ये कच्चा होगा तो वो भी भुन जाएगा, जिससे हमारी बर्फ़ी लंबे टाइम तक चलेगी। इसलिए ये प्रोसेस आप ज़रूर करें। अब हम चाशनी बना लेते हैं। तो जितनी मैंने चीनी ली है उसका हाफ इसमें पानी जाएगा। अभी ये मैंने दूसरे उसमें निकाल लिया था। आप जब इसको भूनेंगे तो थोड़ा सा मतलब हैवी होना चाहिए बर्तन, उसका तला जो नीचे से होता है वो हैवी होना चाहिए। अभी इसमें मैं मावा डाल के थोड़ा सा और भूनूंगी। मावा डालने से बर्फ़ी रियली बहुत टेस्टी लगती है।
अभी चाशनी हम चेक कर लेते हैं, अपन को डेढ़ तार की चाशनी चाहिए। अब चाशनी को मैं इसमें ऐड करके और अच्छे से मिक्स करूंगी। चाशनी जो हमको चाहिए वो डेढ़ तार की चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादा टाइट हो जाएगी तो ये भी टाइट हो जाएगा। और ये जो बर्फ़ी तैयार हो रही है वो मुंह में घुलने वाली तैयार हो रही है, तो विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको चाशनी का। अभी मैंने इस प्लेट इसको ट्रे को ग्रीस कर लिया है घी से, फिर इसमें आप जब इसमें मावा और चाशनी डाल के बूंद अच्छे से भूनने के बाद अगर रिक्वायर हो तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर वो ज़्यादा इकट्ठा हो रहा हो। इसको थोड़ा सा टैप करने से सेट हो जाएगा ये। अभी ये मैंने जो बड़ी इलायची थी इसको इसके छिलके निकाल के इसको पीस लिया है हाथ से हल्का सा। ये पिस्ता से इसकी गार्निशिंग करूंगी, आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। चांदी का बर्क मैंने लगाया है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, बट मुझे तो अच्छा लगता है ऐसे, बहुत खूबसूरत लगती है ये। ये लीजिए, तैयार हो चुकी है हमारा मोहन थाल। आप भी इसको ट्राई करें, एक बार ज़रूर ट्राई करें और बना के मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और रियली ये बड़े हो या छोटे हो सबको बहुत पसंद आने वाली चीज़ है ये, और राजस्थान की बहुत स्पेशल बर्फ़ी है ये, हर फेस्टिवल पे बनाई जाती है। तो आप भी इसको ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अच्छा लगे तो शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई भी नई रेसिपी आपके साथ शेयर करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।